हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव आर न्यू टॉपिक दैट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वे फाउंड इन इंसेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लार्वा? लार्वल स्टेज इज़ एन इन इट इज़ द मोस्ट एक्टिव ग्रोइंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। इट इज़ द इमेच्योर स्टेज बिटवीन द एग एंड प्यूपल स्टेज इन केस ऑफ insects which show complete metamorphosis. So this stage differs radically from the adult. So जैसे कि हमें पता है कि जब हम complete metamorphosis की बात करते हैं तो हमारे पास egg के बाद larval stage बनती है, larva and then pupa and then adult. So it is an intermediate stage between egg and pupa. And the larval stage is drastically डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट, एडल्ट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा विच हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। सो देर आर फोर टाइप्स: एपोडस लार्वा, प्रोटोपॉड लार्वा, ओलिगोपॉड लार्वा एंड पॉलीपॉड और इरूसी फॉर्म लार्वा। सो लेट अस स्टार्ट विद दी एपोडस लार्वा। जैसे कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ए मतलब ऐसे लार्वा जिनके अंदर अपेंडिजेस, पोडस मीन अपेंडिजेस। सो इस तरीके के लार्वा में कोई अपेंडिजेस नहीं होंगी लोकोमोशन के लिए। सो इनमें जो क्लासिफिकेशन आगे की गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डेवलपमेंट एंड स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ हेड कैप्सूल। सो हेड जो है इनका कैप्सूल वो कितना स्क्लेरोटाइज है और कितना डेवलप्ड है, उस बेसिस पे ए पोडस लार्वा थ्री टाइप्स का होगा: यूसेफेलस, हेमीसेफेलस और एसेफेलस। सो यूसेफेलस, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यू मीन्स ट्रू, ट्रू यहाँ पे होगा, यहाँ पे हेड जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा और इनमें मैंडिबल्स, फंक्शनल मैंडिबल्स, मैक्सिले, माउथ पार्ट्स, एंटीने सब फंक्शनल होंगे। सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट इज़ द रेगुलर लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। इसके अलावा कुछ वीवल्स हैं, उनके ग्रब्स भी जो हैं वो यूसेफेलस लार्वा के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इस लार्वा का हेड जो है वो प्रोमिनेंटली डेवलप्ड है एंड बिकॉज इट इज़ एन अडेप्टेशन, क्योंकि हेड डेवलप्ड है तो सारे जो माउथ पार्ट्स हैं फीडिंग के लिए वो डेवलप होंगे इस लार्वा के अंदर। सो दिस इज द यूसेफेलस लार्वा। देन कम्स द हेमीसेफेलस लार्वा। हेमीसेफेलस लार्वा के अंदर नाम से पता लगेगा, इसमें जो हेड कैप्सूल होगा वो फुल्ली डेवलप नहीं होगा, बट इट इज़ रिड्यूस्ड एंड इट कैन बी, ये विदड्रॉ हो सकता है थॉरेक्स के अंदर। सो इट कैन, इट इज़ जनरली विदड्रॉन इन टू द थॉरेक्स एंड मैंडिबल्स दे एक्ट वर्टिकली टू बाइट द फूड। सो हॉर्स फ्लाई एंड रॉबर फ्लाईज के जो लार्वा होते हैं जो वो हेमीसेफेलस टाइप के होंगे, तो यहाँ पे आपको एक रिड्यूस्ड हेड दिखेगा। रिड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि वो थॉरेक्स के अंदर प्रोड्यूस्ड कर सकता है, बैक जा सकता है, विदड्रॉ किया जा सकता है। सो दिस इज दी हेमीसेफेलस लार्वा। थर्ड इज दी एसेफेलस लार्वा। एज दी नेम सजेस्ट, इसका मतलब ये है यहाँ पे हेड कैप्सूल इज टोटली एबसेंट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो हेड कैप्सूल इज एबसेंट, आपको सिर्फ यहाँ पे आई स्पॉट्स दिखेंगे, ये एबडोमिनल एंड होगा। यहाँ पे जो माउथ पार्ट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इसमें दो हुक्स प्रेजेंट होंगी जो कि प्रोड्यूसेबल होती हैं। सो जब फीडिंग के टाइम पे ये हुक्स को प्रोड्यूसेबल मैकेनिज्म के थ्रू बाहर और अंदर किया जाता है, इस तरीके के लार्वा को वर्मी फॉर्म लार्वा भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्मी फॉर्म की शेप का एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी हमारे लार्वा होते हैं हाउस फ्लाई के, मैगट्स जो होते हैं, वो मैगट इज ए एसेफेलस लार्वा। सो इन ऑल हमारे पास तीन टाइप के लार्वा हैं एपोडस के अंदर, जिसमें कि ट्रू हेड, रिड्यूस्ड हेड एंड हेड कैप्सूल इज एब्सेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट टाइप ऑफ लार्वा विच वॉज दी एपोडस लार्वा। सेकेंड टाइप पे हम चलते हैं, इट इज़ द प्रोटोपॉड लार्वा। प्रोटोपॉड लार्वा इज एन इमेच्योर। इसमें क्या होगा, इन दिस दी एग्स दे कंटेन दी वेरी लिटिल योक एंड लार्वा जो हैच करेंगे इसमें से, दे हैच फ्रॉम दी एग्स वाइल दे आर स्टिल इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होते हैं लेकिन वो पहले ही हैच कर जाते हैं, इसीलिए इनको हम इमेच्योर भी बोलते हैं। सो इनमें जो एबडोमन होगा, इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होगी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एबडोमन पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है, और जो हेड और थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं दे आर रूडिमेंट्री। सो हेड एंड सिफेलिक, हेड एंड थोरेसिक रूडिमेंट्री होगा एंड एबडोमन इज विदाउट एनी सेगमेंटेशन। सो ये हमारे जो लार्वा होते हैं एंडो पैरासिटिक हाइमेनोप्टरा, जो कि किसी और की बॉडी में एज अ पैरासाइट रहते हैं, हाइमेनोप्टरा जो हमारी बीज, फ्रैस्प, एंट्स होती हैं, जीनस प्लैटीगैस्टर स्पेसिफिकली, इनका जो लार्वा होता है वो प्रोटोपॉड टाइप का होगा।
लेट अस कम टू द थर्ड टाइप ऑफ लार्वा विच इज़ दी ओलिगोपॉड लार्वा। सो जैसे कि ओलिगो के नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास अपेंडिजेस आ गई। कौन सी अपेंडिजेस आ गई? यहाँ पे हमारे पास थोरेसिक लेग्स आ जाएंगी। ये जो आपको थोरेक्स रीजन पे थ्री पेयर्स दिखेंगे, फोर लेग, मीजो लेग एंड मेटा लेग, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। एंड लेकिन यहाँ पे एबडोमन पे कोई लेग नहीं होगी, सो एबडोमिनल लेग्स आर एबसेंट। सो हमारे जो ओलिगोपॉड लार्वा हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं कैम्पोडी फॉर्म लार्वा। ये जो आपको फिगर शो हो रही है, ये कैम्पोडी फॉर्म लार्वा की है। सो कैम्पोडी फॉर्म लार्वा जो है ये क्योंकि कैम्पोडिया जीनस को रिजेंबल करता है, इसलिए इनका नाम कैम्पोडी फॉर्म से पड़ा है। सो बॉडी की शेप अगर आप देख रहे हो, इट इज़ इलोंगेटेड, डिप्रेस्ड, डोर्सोवेंट्रली डिप्रेस्ड होती है, एंड प्रॉपर स्क्लेरोटाइजेशन है। आपको काइटिन दिखेगी इसमें। हेड प्रोगनेथस इसका है। थोरेसिक लेग्स जो है आप देख रहे हो, जो लेग्स जो थोरेक्स पे प्रेजेंट है, दे आर प्रॉपरली, दे आर लॉन्ग। इसके अलावा एब्डोमेन पे आपको एक पेयर सरसाई का दिखेगा, एब्डोमल सरसाई। एंड लार्वे, इस तरीके के जो लार्वे होते हैं, कैम्पोडीफॉर्म लार्वा होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव प्रिडेटर्स। सो ग्रब ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स, दे आर ऑफ कैम्पोडीफॉर्म टाइप। सेकेंड इज दी स्कैराबी फॉर्म लार्वा। स्कैराबी फॉर्म लार्वा, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज़ अ सी शेप लार्वा। ये बहुत स्टाउट एंड सब सिलेंड्रिकल शेप का होगा। इसमें आप देख रहे हो, इसमें हेड जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड है। थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट हैं, लेकिन दे आर शॉर्ट एज कम्पेयर टू कैम्पोडीफॉर्म। ये लार्वा जो है ये स्लगिश एंड बरोइंग टाइप का होगा, जो सॉइल और वुड में मिलेगा। सो ये लार्वा जो ग्रब्स होते हैं हमारे राइनोसेरॉस बीटल्स के, वो स्कैराबी फॉर्म टाइप के लार्वा होंगे। तो आपने इसको पहचानना कैसे है? इट इज़ अ सी शेप फ्लैशी लार्वा। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी ओलिगोपॉड के अंदर, इट इज़ दी इलेट्री फॉर्म लार्वा। इलेट्री का मतलब ही होता है इलोंगेटेड लार्वा। जैसे कि आप इसकी शेप देख रहे हो, इट इज़ एन इलोंगेटेड लार्वा। वॉर्म्स की तरह दिखेंगे आपको, हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड हैं और हार्ड बॉडीड हैं। इनकी लेग्स बहुत छोटी हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दे आर लेग्स प्रेजेंट, लेकिन ये बहुत छोटी होंगी, लेकिन होती हैं थोरेसिक लेग्स। एंड पूरी बॉडी पे रिड्यूस्ड ब्रिसल्स होंगे, हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स। सो ये लार्वा जो है आपको कुछ बीटल्स के अंदर नॉर्मली दिखेंगे, इलेटरी फैमिली के। सो क्लिक बीटल्स के जो लार्वा होते हैं वो इलेटरी फॉर्म लार्वा के टाइप के बोले जाते हैं। फोर्थ ओलिगोपॉड में आ जाता है हमारे पास ट्रायंगुलिन लार्वा। तो ट्रायंगुलिन लार्वा के यूनिक फीचर्स क्या हैं? इसकी बॉडी एक तरीके की इलोंगेटेड बॉडी है। अगेन आप लेग्स देखो, दे आर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड, लॉन्ग लेग्स हैं जो थोरेसिक लेग्स हैं। तो सॉयल बीटल्स जो होती हैं उनके लार्वा ट्रायंगुलिन होते हैं। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है कि जो इनकी लेग्स होती हैं, इनके लेग के टर्मिनल एंड पे आपको थ्री क्लॉज दिखेंगे। सो थ्री क्लॉज के बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरासाइट्स हैं, सॉलिटरी बीज के नेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे एज अ पैरासाइट की तरह ये सर्वाइव करते हैं। एंड जो ग्रास हॉपर्स के एग मासेज होते हैं, उनमें भी ये एज अ पैरासाइट की तरह सर्वाइव करते हैं। सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर दी एग ग्रास हॉपर एंड सॉलिटरी बीज की पॉपुलेशन के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ओलिगोपॉड। ओलिगोपॉड में हमारे पास चार आए, कैम्पोडी फॉर्म, स्कैराबेरी फॉर्म, इलेट्री फॉर्म एंड ट्रायंगुलिन लार्वा। लास्टली वी विल गो टू दी पॉलीपॉड और इरुसी फॉर्म लार्वा। सो पॉलीपॉड लार्वा जो होंगे वो हमारे इलोंगेटेड शेप में होंगे, इलोंगेटेड ट्रंक होगी, लार्ज स्क्लेरोटाइजेशन इनकी हेड पे होगी। हेड पे आपको प्रॉपर मैंडिबल्स दिखेंगे फंक्शनल, सो दैट ये वेजिटेशन को टीयर ऑफ कर सके। इनमें हमारे कैटरपिलर्स आ जाते हैं, एंड कैटरपिलर्स यू नो दे आर दी पेस्ट ऑफ दी वेजिटेशन। सो यहाँ पे एंटीना शॉर्ट होंगे, आपको प्रॉपर लेग्स दिखेंगी थ्री पेयर्स। लेकिन यहाँ पे जो यूनिक पॉइंट आ जाएगा, दैट विल बी कि एब्डोमेन पे भी लेग्स होंगी, जिनको हम प्रो लेग्स भी बोलते हैं। सो थोरेसिक लेग्स हमेशा सेगमेंटेड रहेंगी, इनमें क्लॉज होंगे जो कि लीफ को लीफ पे ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, दे आर दी ट्रू लेग्स। लेकिन जो हमारी जो एब्डोमिनल लेग्स होती हैं, एब्डोमिनल लेग्स क्रॉलिंग में हेल्प करती हैं, वॉकिंग में हेल्प करती हैं और वेजिटेशन पे क्लिंग करने के लिए हेल्प करती हैं। सो नॉर्मली जितने भी हमारे लेपिडोप्टरन्स हैं, मॉथ्स और बटरफ्लाइज, दे ऑल बिलोंग टू पॉलीपॉड लार्वा। सो वी हैव, दिस इज एन एग्जाम्पल, हेरी कैटरपिलर की आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो, डिफरेंट हेरी कैटरपिलर्स हैं। इनमें बॉडी हेयर्स प्रेजेंट हैं, डेंस हैं, स्पार्स भी हैं कुछ में, कुछ में टफ्ट की फॉर्म में हैं।
सो अगर आप इनको हाथ लगाओगे तो आपको चुभेंगे ये, आपको इरिटेशन होगी. सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ हेयरी कैटरपिलर्स. देन वी हैव स्लग कैटरपिलर. स्लग मतलब ये बहुत ही इनएक्टिव टाइप का लार्वा होगा, इसको प्लेटीफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं. लेकिन इन लार्वा में पॉइजनस माइंस होते हैं जिनको स्कॉलाई बोला जाता है. पूरी बॉडी में ये स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. सो ये लार्वा बहुत थिक होगा, शॉर्ट है, स्टाउट है, फ्लैशी है. इसमें थोरेसिक लेग्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं, माइन्यूट होती हैं, और एब्डोमिनल लेग्स यहाँ पे कहते हैं कि एब्सेंट है. सो लेकिन बाकी फीचर्स जो हैं ये कैटरपिलर्स के साथ शेयर करता है. तो दिस इज अ स्लग कैटरपिलर. थर्ड इज ए सूडो कैटरपिलर. सूडो कैटरपिलर मतलब कि कैटरपिलर को मिमिक करता है लेकिन एक्चुअल ट्रू कैटरपिलर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एब्डोमन पे अराउंड 6 to 8 पेयर्स प्रोलेग्स होती हैं. सो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे तो होगी ही होगी यहाँ पे. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट पे आपको यहाँ पे प्रोलेग दिखेगी अदर देन थोरेसिक लेग्स. सो ये सॉफ्टफ्लाई होती है, डिप्टरन है, इसका लार्वा ये इस टाइप का होता है, विच इज अ सूडो कैटरपिलर, जो कि मिमिक करता है एक तरीके से कैटरपिलर को. इट इज नॉट ऑफ ए, ये लेपिडॉप्टरन का लार्वा नहीं है कैटरपिलर, क्योंकि हम कैटरपिलर को वर्ड को यूज करते हैं लेपिडॉप्टरा के साथ करते हैं. लेकिन यहाँ पे सॉ फ्लाई है, डिप्टरा है, इसके साथ हम जो टर्म यूज करेंगे सूडो कैटरपिलर यूज करेंगे. देन कम्स दी कैटरपिलर विच इज अ ट्रू कैटरपिलर. इसमें आपको लेग्स में लेग्स का देखना है पोजीशन. यहाँ पे 3 पेयर्स थोरेसिक तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 पेयर्स ऑफ प्रोलेग्स मिलेंगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ. सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ सेगमेंट पे आपको ये मिलेंगी लेग्स. एंड ये जो एग्जांपल आपको शो किया गया ये मोनार्क का है, और ये वाला कैटरपिलर जो है ये लेमन बटरफ्लाई का है. देन कम्स दी सेमी लूपर. जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हो, ये सेमी लूप बना रहा है और ये इस तरीके से. सो यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग्स तो है ही हैं जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रही हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ये जो प्रो लेग्स हैं ये आपके पास ओनली 3 पेयर्स होंगी यहाँ पे. सो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ सेगमेंट पे, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ सेगमेंट पे. सो कैबेज बटरफ्लाई का जो ये लार्वा होता है, इट इज़ अ कैबेज सेमी लूपर. देन कम्स दी लूपर. जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, ये कंप्लीट लूप बनाता है चलते टाइम. ये इसके अंदर क्या है, इसको इंच वॉर्म भी बोलते हैं हम, बिकॉज ये इंच इंच करके चलता है. यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी यहाँ पे, ये 2 पेयर्स हैं सिर्फ यहाँ पे, और वो कौन सी सेगमेंट्स हैं, सिक्स्थ एंड टेंथ पे. ये मैंगो लूपर्स हो गए, एप्पल लूपर्स हो गए, इनको डैमेज करने वाले प्लांट्स हैं एप्पल एंड मैंगो को, तो ये लूपर्स की कैटेगरी में आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ लार्वे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. थैंक यू.